हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गिक्स ब्रिक्स। तो आज का ये वीडियो बहुत ही सीरियस मैटर को लेकर है दोस्तों। पहली बात तो है कि ये मोमो चैलेंज, मतलब आप सभी को पता है, फिर भी मैं आपको कुछ प्रिकॉशंस बताने वाला हूँ कि क्या आपको करना चाहिए। तो बेसिकली दोस्तों, ब्लू व्हेल गेम का जो है यही वर्शन है, मतलब ब्लू व्हेल गेम का आप एक अपडेटेड वर्शन कह सकते हैं इसे। ब्लू व्हेल का तो मतलब नशा सर से उतरा भी नहीं था, एक साल भी नहीं हुआ कि अभी ये दूसरा चीज़ आ गया, मोमो चैलेंज। दोस्तों मोमो चैलेंज भी एक तरीके का ब्लू व्हेल गेम ही होता है, जहाँ पर आपको कुछ चैलेंजेस दिए जाते हैं, कुछ टास्क दिए जाते हैं जिसको आपको पूरा करना होता है। फिर आखिर में जाकर आपका एक ही स्टेप होता है कि सुइसाइड कमिट करना। तो इस तरीके से ये लोगों की जान ले लेते हैं। तो दोस्तों ये नाम जो है मोमो, तो ये मोमो का इवॉल्व कैसे हुआ दोस्तों? ये मोमो एक सोशल हैंडल पर, जैसे कि आप यूट्यूब फेसबुक, तो यहाँ यूट्यूब पर आपको एक चैनल मिलेगा, फेसबुक में पेज मिलेगा मोमो कह के। तो ये एक बेसिकली सोशल हैंडल है, और इसका जो इमेज है दोस्तों वो एक बड़ी बड़ी आँखों वाला, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक औरत की पिक्चर है। बेसिकली इसका दिया जाता है, मतलब कहते हैं कि इस इमेज को मतलब लाने वाला है एक जैपनीज आर्टिस्ट जिनका नाम है मिदोरी हायाशी। उन्हीं ने इस इमेज का, उनका इस इमेज के साथ लिंक है, जिस इमेज का नाम है मदर बर्ड बाय लिंक फैक्ट्री, इस इमेज का नाम है दोस्तों। बेसिकली ये इमेज क्यों लिया गया है मैं आपको बता देता हूँ, ये बच्चों को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो जैसे आप इस इमेज पर देखते हैं, कुछ आपको कुछ ऐसा फील होता है, मतलब इतना बड़े बड़े आँखें हैं, तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। तो इस तरीके के कुछ अट्रैक्टिव फीचर है इस इमेज में। तो इसीलिए जब आप पर व्हाट्सएप नंबर पर जिससे आपको बात की जाती है मोमो की, तो उन्हीं का प्रोफाइल पिक्चर पे ये इमेज होता है। फिर आपका यूट्यूब का चैनल जो है उनका, वहाँ पर भी आपको यही इमेज देखने को मिलेगा। मतलब ये बेसिकली टीनेज जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं 12 से 18 साल, उनको टारगेट करने के लिए ही बेसिकली इस इमेज का यूज़ किया जाता है दोस्तों। अब बात की जाती है कि इस इमेज को मतलब मोमो कैसे टारगेट करता है आपको। बेसिकली ये सोशल हैंडल्स आपको टारगेट करते हैं, जहाँ पर आप पोस्ट देते हैं कि आप बहुत डिप्रेशन से जा रहे हैं, तो उन्हीं सब लोगों की ये टारगेट करते हैं। और व्हाट्सएप पर जब आप लिंक शेयर करते हैं, तो वहाँ पर आपको एक इनविटेशन टू प्ले ऐसे में क्लिक किया जाता है, तो वो सब लिंक पे क्लिक मत कीजिए। तो अब इसको अवॉइड कैसे करना है, बेसिकली आपका व्हाट्सएप का जो सब लिंक है, किसी भी अननोन लिंक पर आप क्लिक मत कीजिए जो आपको फॉरवर्डेड किया गया हो। जैसे कि आप देख सकते हैं व्हाट्सएप में नया फीचर्स आया हुआ है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मैसेज आपको फॉरवर्ड किया है, तो उन सब लिंक पर बिल्कुल क्लिक मत कीजिए। और पेरेंट्स के लिए ये बात है, देखिए दोस्तों बेसिकली ये सब चीज़ गांव में नहीं होता है, मेनली शहर के बच्चे इन सब पर टारगेटेड होते हैं। तो बेसिकली इसका रीज़न क्या है, बेसिकली इसका रीज़न ये है कि पेरेंट्स उनके बच्चों को टाइम दे पाते हैं। तो प्लीज़ अपने बच्चों को थोड़ा टाइम दीजिए, ऑफिस का काम है, ये काम है, वो काम है, लेकिन याद रखिए आपके बच्चे की जान से वो सब बड़े नहीं हैं। वो सब 2 रुपया लॉस हो जाएगा, 2,000, 2 लाख, 2 करोड़ रुपये लॉस हो जाएंगे आपको। वो आप रिकवर कर पाएंगे 5 दिन बाद, आप उसको रिकवर कर पाएंगे, लेकिन एक बार आपका बच्चे का जान चला जाए तो आप उसे वापस नहीं ला पाएंगे। तो थोड़ा सा वक्त निकालिए अपने बिजी शेड्यूल से और अपने बच्चों को टाइम दीजिए, और उनको सिखाइए नो कहना कि भाई मुझे नहीं। आपको अगर कुछ अपने बच्चों से कही कि आपको अगर कुछ नहीं करना है, आपको अगर कुछ नहीं पसंद है, तो आप नो कहना सीखिए। तो ये चीज़ आपके बच्चों को ज़रूर सिखाए, और अपने बच्चों के साथ बातें कीजिए, उनका प्रॉब्लम सुनिए कि वो किस दौर से गुजर रहे हैं। क्योंकि कुछ जो सॉल्यूशंस माता पिता दे सकते हैं, वो कोई भी नहीं दे सकता, उनके दोस्त मतलब सहकार कोई भी नहीं दे सकता। तो थोड़ी टाइम अपने बच्चों को दीजिए, थोड़ा बात कीजिए, जो सब बैठ के फैमिली डिनर्स होते हैं, डिनर्स में बैठ के बच्चों के साथ बातें कीजिए। तो इसी तरीके से आप इसको रोक सकते हैं। और याद रखिए, कोई भी अननोन लिंक आए उसे क्लिक मत कीजिए, इस मोमो चैलेंज को रोकिए। तो ये वीडियो इतना ही, अच्छी लगी तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैं इसमें आपको नहीं कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए या फिर इस वीडियो को लाइक करिए, लेकिन इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।